और अब अपने दर्शकों को सीधा लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ लोकसभा सीट पर, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनता को संबोधित कर रहे हैं। मंच में विराजमान हमारे रायगढ़ जिला के प्रभारी मंत्री और बहुत ही वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, आप मन के रायगढ़ के लाडले विधायक और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, हमारे रायगढ़ लोकसभा के चुनाव के समन्वयक आदरणीय राजा रणविजय प्रताप सिंह जुदेव जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण कुमार राय जी, श्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, लोकसभा के चुनाव के प्रभारी श्री प्रबोध मीन जी, लुंड्रा के विधायक और आपन के क्षेत्र के पूर्व सांसद और पत्थलगांव के विधायक श्रीमती गोमती साई जी, जसपुर के विधायक रायमुनि भगत जी और हमारे ये लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राधेश्याम राठिया जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और संगठन के शिल्पी श्री राम प्रताप सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गिरधर गुप्ता जी, श्रीमती संयोगिता सिंह जुदेव जी, राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री सत्यानंद राठिया जी, हमारे तीनों जिलाध्यक्ष श्री उमेश अग्रवाल जी, सुनील गुप्ता जी और सुभाष जालान जी, श्री जगन्नाथ पानीग्रही जी, गुरपाल भल्ला जी, केराबाई मनहर जी, सुनीति राठिया जी, नरेश नंदे जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रवि भगत जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद जी, हमर जसपुर के युवराज साहब यश प्रताप जी, स्वर प्रताप सिंह जुदेव जी और मंच में विराजमान सबो हमर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण नेत्रीगण, मैं क्षमा चाहूं सबकर नाम नहीं ले पात हूं, काबर की 3 बजे ले पहले हमला कलेक्ट्रेट पहुंचना है और आज के ये नामांकन रैली में हमर रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के तीनों जिला के रायगढ़, जसपुर और सारंगढ़ के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, मतदाता मन और प्रेस के मित्र मन, नवरात्रि चलत है, आप सबला पहले नवरात्रि के बहुत बहुत बधाई शुभकामना और आप मन हमर मंत्री मल्ला हमर नेता मल्ला सबला सुन चुके हो और हमर प्रत्याशी भी आप मन से आशीर्वाद मांग चुकी है और समय कम है तो मैं तो यही कहे पर आप मन से आए हो, ये जो लोकसभा के चुनाव है ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बर चुनाव है, आप बोला ये राजी है ना, आप सहमत है ना, मोदी जिला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना, तो मुट्ठी बांध के दोनों हाथ ऊपर करके बताओ भाई कि मोदी जिला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव गरीब किसान मजदूर सबके लिए 10 साल काम करीन है, 140 करोड़ भारतवासी ला अपना परिवार मानते हुए हमेशा रात और दिन उमन के चिंता करने वाला प्रधानमंत्री, 24 घंटा में 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री, पूरे दुनिया में भारत का डंका बजाने वाला प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री की चुनाव है, मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बर चुनाव है। और रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से श्री राधेश्याम राठिया जी हमर प्रत्याशी हैं, जमन कर एक लंबा अनुभव है जनसेवा के, सरपंच से लेकर जनपद अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य एसटी मोर्चा में किसान मोर्चा में एक लंबा अमन के अनुभव है जनसेवा करके, बड़ा मृदुभाषी
जो अपन क्षेत्र में सिद्धार्थ जी के नाम से विख्यात है, ऐसे राधेश्याम राठिया जी हमारे प्रत्याशी हैं। इमल्ला आने वाला 7 महिला अपन अपन बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के सांसद बना के भेजना है और नरेंद्र मोदी जिला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आज एक कांग्रेस ला सबक सिखाना है। 5 साल ये कांग्रेस के सरकार छत्तीसगढ़ के जनता ला धोखा दे के काम करी। 2018 के चुनाव में बड़े बड़े लोक लुभावन वादा 36 ठन करे रही, लेकिन एक वादा पूरा अमन के नहीं हुई, बल्कि छत्तीसगढ़ ला अपराध गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। आज कितना कांग्रेसी और कितना अधिकारी सरकार ला सहयोग करने वाला जेल के अंदर में है। 6-6 महीना साल भर से जेल के अंदर है, अमन के बेल नहीं होते। आज कोयला में घोटाला, शराब में घोटाला, रेत में घोटाला, नरवा गरवा गुरुआ बारी में गोबर तक कांग्रेसी अमन खा गिन। तो ऐसे घोटाले बाज मल्ला आने वाला ये लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाना है। इस समय छत्तीसगढ़ के 11 सीट जीतता है ना, उमला खाता भी खोलने देना नहीं है, पूरा 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जिताना है। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार आपन के आशीर्वाद से बैठी से अभी 4 महीना हुई से, तो 4 महीना में जो काम मोदी के गारंटी में रही से वाला मोला दोहराए की आवश्यकता नहीं है। समय के अभाव में हमारे वित्त मंत्री जी सब ला बताई है, 4 महीना में बहुत काम हमें साय कर रहे कि नहीं भाई, साय हो से ना, कोई विश्वास नहीं करें कि 4 महीना में भी कोई सरकार इतना काम कर सकत है, लेकिन आप मन के आशीर्वाद से साय काम हमन करे हन। और आने वाला और जो मोदी की गारंटी में वादा है ओला भी 5 साल में सब काम ला साय करबो। अभी 2 दिन पहले मोदी जी हमार लोकसभा के संकल्प पत्र जारी करीन है, उनमें और कई चीज है। प्रधानमंत्री आवास 4 करोड़ बन चुकी से 3 करोड़ और बनाना है। मुद्रा योजना में 10 लाख ला बढ़ा के 20 लाख हमारे बेटा बेटी मल्ला लोन मिले के प्रावधान हुई। 70 साल उम्र के जो भी बुजुर्ग हुए या कोई भी वर्ग के कितनों भी आए के हुई, उमन सब आयुष्मान भारत में शामिल हुई। 5 लाख तक के उमन के इलाज मुफ्त हुई, आदि आदि बहुत अच्छा संकल्प पत्र है। ये सब पूरा हुई कहे भारतीय जनता पार्टी जो कथे ओला करते, कहने और करने में एक रूपता होते। कांग्रेस जैसे लवारी बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुए, और इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आज ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेसिया मन के दिमाग के संतुलन खराब होगी से आज कैसे कैसे बोलते हैं आप लोग मालूम है। आज चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है हमार प्रधानमंत्री और का बोली से एकर सर फोड़ने वाला ये भूपेश बघेल ही हो सकत है, ये सब बोलना चाहिए क्या? नेता प्रतिपक्ष के नेता ओकर मुंह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ऐसा निकलना चाहिए क्या? फिर डिफॉल्टर बोला थे, तरह तरह के बोला थे। तो आज एमन के हार निश्चित दिखत है, और इसलिए बोखला की नहीं, इसलिए कुछ भी आए बाए मन बोलत है। एमला मजा चखाना है, और पूरे मैं आज तक 34 विधानसभा में जा चुके हूँ, 40 से ज्यादा कार्यक्रम कर चुके हूँ, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लोग मन कांग्रेस छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। कल मैं दुर्ग में रहे तो भूपेश बघेल के भाभी सीमा बघेल वो भी कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी से, तो एक ले और का दुर्भाग्य हो सकते कांग्रेस या मन के और भूपेश बघेल के, आज अपन घर ला जोड़ के नहीं रख पात है, पूरा मन के पार्टी बिखर गई से। तो आप सब संकल्प लेवा कि आने वाला 7 मई के रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में लगातार चार बार आप मोला सांसद बनाओ, फिर गोमती साला बना रहा,
ओकर बाद पहले भी कई बार ये लोकसभा ला जीते हैं, तो ये समय कितना से जिताना है भाई बताइए। 2014 में तो रायगढ़ जिला से अकेले 1,11,000 का लीड था और लोकसभा में 2,17,000 का लीड था, तो इस बार कितना का लीड देंगे आप लोग? 3,00,000। हाँ तो सब आज संकल्पित होके जाइए, सब अपने को राधे श्याम राठिया मान के एक एक घर एक एक मतदाताओं के बीच में जाइए और जो उपलब्धि है जो लाभार्थी है, आज एक भी ऐसा घर नहीं होगा जो 10 साल भारत सरकार का योजना से, चाहे अभी हम लोग का 3 महीना के काम से या 15 साल छत्तीसगढ़ में जो हम लोग की सरकार थी रमन सिंह के नेतृत्व में, तो योजनाओं का लाभ एक घर को नहीं मिला होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी लाभार्थियों से आप लोग संपर्क करिए और कमल छाप के लिए वोट मांगिए। अंत में मैं आप लोगों से चाहूंगा कि एक बार फिर मुट्ठी दोनों हाथ की मुट्ठी भींच के ऊपर करके ये विश्वास दिलाइए हमारे मंच में जितने बैठे हैं नेता उनको कि 3,00,000